जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुर्ग से उस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पाटन में 12वें राउंड की गिनती पूरी हो गई और भूपेश बघेल करीब 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। विजय बघेल से 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन, जहां पर यहां से चुनाव लड़े थे भूपेश बघेल और वहां पर विजय बघेल यानी कि अपने भतीजे से 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 12वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है पाटन में और 11,000 मतों के साथ लगातार बढ़त बनाए हुए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। ठीक है दिनेश जी, ओवर टू यू, आप उन बात पूरी कीजिए सर। तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जब आया और उन्होंने जब मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश का जो कैंपेन आया, उसने जो सारी एंटी इनकम्बेंसी थी वो समाप्त कर दी। देखिए जब आप मोदी जी का चेहरा आता है तो जो बहुसंख्यक जो लोग हैं, जो वोटर हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको लेकर मोदी जी को लेकर पॉजिटिव वाइब्स है, जो जिसको जो है हम कई इलेक्शन में देख चुके हैं। और वो किसी भी राज्य में जो गणित बदलने में बहुत खासकर हिंदी बेल्ट, आप दूसरे राज्यों में नहीं जाए नॉन हिंदी बेल्ट है उनको आप जो है इससे अलग रख सकते हैं, लेकिन हिंदी बेल्ट में जहाँ सबसे ज्यादा जो मोदी जी का जो पॉपुलरिटी है वो यहाँ दिखाई दी। आप देखिए जब कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, क्या जिन गारंटियों की बात वो कर रही थी, जिन मुद्दों की बात उसके नेता कर रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसकी उसकी जो आवाज है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की किसी भाषण में तो सुनाई देती नहीं। वो नारी सम्मान योजना, जिस नारी सम्मान योजना को वो कहते हैं कि उनकी व्यवस्था को चुरा लिया गया, लाडली बहन नाम दे दिया गया, उसका जिक्र तो कभी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, गणेश जी मैं आपके पास आऊंगा। सतना से उस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, वो आप दर्शकों को बता देते हैं। रैगांव